और बाएं देखिए कूड़े का अंबार मिलेगा। आप जिधर जाएं उधर आपको गंदगी मिलेगी, बदबू मिलेगी। ये नाले पर जिसको ढकने की बात हम लोग कर रहे हैं, सैदपुर से लेके NMCS तक, वहाँ तक जो है उसको ढकने का काम करना चाहिए। दोनों तरफ रोड बनाना चाहिए ताकि जो है ट्रैफिक की समस्या का भी समाधान हो। ट्रैफिक की समस्या अभी एक ऐसी समस्या है पटना साहिब के अंदर जिसके कारण यहाँ का विकास एकदम से अवरुद्ध है, रुका हुआ है। तो इन मूलभूत समस्याओं का समाधान सरकार करे, जन संघर्ष, और ये संघर्ष लगातार चलता रहेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ इन जन संघर्ष मोर्चा के सदस्यों को, आपको और आवाम को। बिहार विद्युत बोर्ड जो है वो विद्युत उपभोक्ता के यहाँ प्रीपेड मीटर लगा रही है। आप जानते हैं कि इसके पहले स्मार्ट मीटर लगा, उसके पहले सामान्य मीटर था जो काला जैसा दिखता था। तो स्मार्ट मीटर लगाने के पीछे जो तर्क था कि वो चोरी होता है, विद्युत उपभोक्ता चोरी करते हैं, ठेठ भाषा में हम बोल रहे हैं। उसके बाद लगा स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मीटर के बाद अब प्रीपेड मीटर लगाने का निर्णय सरकार ली है, विद्युत विभाग लिया है। हम ये जानना चाहते हैं कि प्रीपेड मीटर लगाने का क्या औचित्य है आपका, क्यों लगा रहे हैं प्रीपेड मीटर? ये जो स्मार्ट मीटर लगा, इस मीटर में क्या समस्या उत्पन्न हुआ, क्या खराबी है जिसके कारण प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं? एक तो ये, और प्रीपेड मीटर जहां लग चुका है वहां इतना ना बिजली बिल आ रहा है कि वो आम जनता के बजट से बाहर है। लोग ऊब जा रहे हैं, परेशान हैं, तबाह हैं प्रीपेड मीटर का जो बिल देख करके। तो हम इसके विरुद्ध हैं। दूसरा जो आप कचरा टैक्स की बात है, तो जब आप होल्डिंग टैक्स में शामिल है सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, फिर ये अलग से कर क्यों, अलग से कचरा टैक्स क्यों, अलग से पानी टैक्स क्यों? ये हमारा सवाल है, मांग है कि हम इसके विरोध में है। जो अंतिम जो मांग है हमारा, सैदपुर नाला के पाटने का सवाल जो हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, अगर यह नाला पाट दिया जाता है तो जो ट्रैफिक प्रॉब्लम है, दोनों तरफ रोड बन जाएगा अप डाउन, और इस रोड बनने से जो जनता को राहत मिलेगा जाम से, इसको आप पाटने की कार्रवाई करें, इन मांगों को लेकर। देवरतन प्रसाद, पूर्व अध्यक्ष जनसंघर्ष मोर्चा। धरना आज जनसंघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में सारे दलों के लोग, उनके सहयोगी यहाँ पे बैठे। मेन बात यह है कि प्रीपेड का जो चर्चा चल रहा है कि लोग, जनता पैसा दे रही थी, बिजली बिल दे रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं देने के इनकार कर रहा है, लेकिन इस प्रीपेड वाले में समस्या ये है कि कार्ड भरवाना, जो अनपढ़ हैं, जो गरीब हैं, जो डेली बेसिस कमाने वाले लोग हैं, वो उनके लिए दिक्कत है। दूसरी बात कि इतनी तेज़ी से मीटर चल रहा है, यानी सरकार तेज़ी से पैसा उगाही करने का एक लक्ष्य प्राप्त कर चुका है, और इसके लिए विरोध में हम धरना देकर कूड़ा का, कचरा का, चाहे बिजली बिल दोबारा फिर बढ़ाने की बात सरकार कर रही है, ये तर्क संगत नहीं है कि किस तरह से टैक्स जनता से लीजिएगा। अभी कोविड से परेशान जनता कहाँ कहाँ टैक्स देगी, किस किस तरह का बिल बढ़ा करके आप ले रहे हैं, ये सरकार है या टैक्स का सरकार है, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए आज धरना दे करके सारे लोगों ने ये संकल्प लिया है कि इसकी रोक लगे और सरकार मेरी बात को सुने। कुमार होम्स आए और LCD टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन और डाइनिंग टेबल जैसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे सर। कुमार होम्स, गुरु गोविंद सिंह पथ चौक, पटना से। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।